घूम रही थे। आज पिता जी को मैं पी सेंटर से गिरफ्तार कर लिया, उनको कैद करने में डाल दिया और आप आपके पास आ रहा हूँ कमीना, आप टीचर से कहने के लिए आप यहाँ से टीचर बताकर भाग जाएंगे। तुम्हें कैसी बात करती हूँ, तुम तो जानती हो कि इस दुनिया में मर्जी करती है, ठीक है तुम्हारी जी वहाँ की गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम चुपके से यहाँ से निकल जाओ, तो मैं भी चुपके से निकल जाती हूँ। ठीक है मैं जाने में आता है। पीछे न जाने मुझे क्या चलता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं पीछे बदल लीजिए चाहूंगा। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो कौन का रोहित की झोपड़ी है, राजू की झोपड़ी, ये राजकुमारी है क्या जो जा रही है? सिवाई आओ हम लोग चलते हैं राजू की झोपड़ी तक और चल कर पता लगाते हैं कि ये राजकुमारी है या कोई और है। आओ हमारे साथ। मेरा बेटा राजू जब से गया उसका कुछ हाल कब नहीं मिला, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ पे होगा, किस बात के होगा। यहाँ मैं महाराज के चरित्र की बेटी हूँ, आओ कमीना मंत्री सदस्य जैसे किला चाहता है मेरी जब बचा लो माँ। मंत्री शंकर सिंह माँ तेरी जैसे किला चाहता है मतलब चाहे झोपड़ी भी चाहिए। कौन बूढ़ी माँ? मैं महाराज चंदित सिंह के दरबार का मंत्री शंकर सिंह हूँ। कौन तुम मंत्री शंकर सिंह? हाँ बूढ़ी माँ। कहो बेटा कैसे आए हो? महाराज की बेटी आपके पास आई है ना? बेटा मुझे क्या मालूम? देखो झूठ मत बोलो बूढ़ी माँ, एक जरूरी काम है, मैं राजकुमारी से मुलाकात करके फिर वापस चला जाऊंगा। बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या हुआ बेटा, ये कोई पागल है क्या? क्या हुआ सिपाही? अरे कुछ बोलेगा चुप। क्या हुआ? जरा सा और अकल लगा दो ना तुम, चार चार इकट्ठा दे यार। ये बता बूढ़ी माँ, कभी तूने मुझसे कहा कि हमारे पास कोई नहीं आया? तो ये राजकुमारी तेरी झोपड़ी से बाहर कैसे आई? बेटा मुझे क्या मालूम ये कैसे आई? तुझे नहीं मालूम? ऐसी भाई पकड़ राजकुमारी को ले जाकर
मंत्री सेक्रेटरी से झूठ बोला है तो मैं झूठ बोलने की सजा मिलेगी। ऐसी नहीं, इधर आवे, ले जाए इस तरह नदी बुढ़िया को और इसकी दोनों हाथ फोड़ दे, ले जाए इस तरह नदी को। मुझसे झूठ बोला है और उसकी झूठ बोलने का नतीजा इसे ये सजा मिली है। छोटे इस गुड़िया को इसी हाल पे अब इसे दिखाई नहीं दे रहा है, ये किसी तालाब कुएं में कूद कर अपने जान दे देगी और एक न एक दिन तो राजकुमारी हमारी ही रही। आओ हमारे साथ, hey, come on, baby.
कौन सी खुशी बात है? आप मुझसे ने बताओगे कि फिर से शर्त आ गई? नहीं, आपसे जरूर बतलाऊंगी। मैं आपकी एक बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ स्वामी, अब यहाँ मैं एक मिनट हुआ, आज मुझे 6 महीने हो गया। मेरी माँ से विदा नहीं हुआ, सबसे पहले हम माँ से मिलने के लिए चले गए। ठीक है स्वामी, जिसे आप कहेंगे चलिए। आज चलिए